पावरफुल। दूसरा थॉट है आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूँ। खुशी चाहिए नहीं, खुश होना चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। थर्ड थॉट, सेकंड थॉट। तीसरा थॉट, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। फोर्थ थॉट, जो स्पेशली पढ़ाई में बहुत यूजफुल होता है, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट, मेरी एकाग्रता शक्ति बहुत ऊंची है। आई एम फोकस्ड, हम कहते हैं ना कई बार आई एम नॉट फोकस्ड, तो जो हो रहा है वो नहीं बोलना, जो बनाना चाहते हैं वो बोलना है। आई एम फोकस्ड, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट। अब इसी में एक और अपना लिख लो, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहो उसके लिए एक थॉट लिख लो, लेकिन वोकैबुलरी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बनना चाहते हैं लिखना है मैं वो हूँ, आई एम। नेक्स्ट थॉट अपनी बॉडी के लिए, माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। अगर शरीर में थोड़ा सा भी कोई दर्द, कोई चोट, कभी कोई पैरामीटर ऊपर नीचे, तो उसके लिए हम अपना थॉट रखेंगे कि वो वाली चीज़ मेरी, जैसे जो मेरे पैर में दर्द था, तो मुझे ये नहीं बोलना पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, मुझे ये बोलना है मेरा पैर बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी वाइब्रेशन यहाँ से हमारी बॉडी को जाती है, मेरा पैर बिल्कुल परफेक्ट है। फिर एक संकल्प, फिर एक थॉट अपने रिश्तों के लिए, उसमें हम बोलेंगे आई एक्सेप्ट एवरीवन एंड एवरीवन एक्सेप्ट्स मी, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब भी मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता सम्मान और प्यार की नींव पर मजबूत है। माई एवरी रिलेशनशिप स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो क्या था थॉट, आई एक्सेप्ट एवरीवन, एवरीवन एक्सेप्ट्स मी एंड माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अब इसमें अगर आपका किसी के साथ भी रिश्ता थोड़ा सा, उसका नाम लीजिए और कहिए इनका और मेरा रिश्ता परफेक्ट है। कोई भी हो सकता है, घर पे हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, किसी के साथ भी कभी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई मतभेद आ जाता है, उनका नाम लीजिए और बोलिए इनका और मेरा रिश्ता परफेक्ट है। वाइब्रेशन जानी शुरू हो जा रही है। फिर एक थॉट क्रिएट कीजिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए, मतलब स्टूडेंट है तो हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल है तो हम प्रोफेशन में हैं, उसमें आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है अगले 6 महीने के लिए, अगले 1 साल के लिए आपका जो टारगेट है, वो आपको लिखना है कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस मच, कुछ भी जो भी आपका गोल और टारगेट है। मतलब अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे मार्च में एग्जाम देना है, तो जो मेरी कैपेसिटी है, सपोज एक्स मेरी कैपेसिटी है, उसमें आप 5 से 10 नंबर और ऐड करो और आप बोलो आई हैव अचीव्ड फिर इन द ब्लैंक उतने मार्क्स, उतने परसेंटेज, उतना ग्रेड, उतना प्रोफेशन। सक्सेस इज सर्टन फॉर मी, सफलता मेरे लिए निश्चित है। हमें ये नहीं बोलना आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, हमें बोलना है सक्सेस इज सर्टन फॉर मी। हाँ जी, देयर इज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, सी
मैनिफेस्ट मतलब आप अपनी लाइफ में उस बात को मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब मुझे हैप्पी रहना है, मैंने हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर लिया, या हम उसको कहेंगे मैंने हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, वो सब वर्ड्स हैं। भारत की संस्कृति में उसको हजारों साल से कहा जाता है संकल्प से सिद्धि, वो भारत की संस्कृति है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो ये हम बाहर से शब्द ले रहे हैं। संकल्प से सिद्धि, संकल्प थॉट्स, सिद्धि मतलब रियलिटी, मेरी डेस्टिनी। और आखिरी वाला बहुत जरूरी है कि हाईएस्ट वाइब्रेशन की शक्ति मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है। हाईएस्ट वाइब्रेशन की शक्ति मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है। जब हम सारा दिन बाहर होते हैं, बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं लोगों की, जगहों की, वो हमारी एनर्जी फील्ड पर असर करती है। तो इसलिए अपने चारों तरफ एक हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी का सुरक्षा कवच बनाइए। ठीक है, एक बार हम रिपीट करेंगे, फिर हम देखेंगे इसको कब करना है ताकि ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। और इसकी भाषा को चेक कर लो, आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकोगे, कोई भी चीज़ की सिद्धि ला सकोगे। भाषा क्या थी? जो हम चाहते हैं कि हो, हमें क्या लिखना है, वो ऑलरेडी है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था हमारा? आई एम पावरफुल। सेकेंड, आई एम हैप्पी ऑलवेज। तीसरा, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। फोर्थ, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट, आई एम फोकस्ड। फिर मेरी बॉडी के लिए, माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी, और अगर उसमें कुछ है तो उसके लिए अलग से। फिर मेरे रिश्तों के लिए, आई एक्सेप्ट पीपल, एवरी वन एक्सेप्ट मी, ऑल माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। फिर अपने गोल्स के लिए, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, फिल इन द ब्लैंक, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। एंड आखिरी, हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, एक प्रोटेक्शन शील्ड है। ये हमने अपने संकल्प लिख लिए, हमने अपनी थॉट्स लिख ली। अब इनको कहना कब है ताकि ये मेरी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है रात को सोने से पहले, क्योंकि जब हम सोएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, और जो हमने लास्ट वर्ड्स बोले होंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रात को जस्ट सोने से पहले फ़ोन के साथ ऐसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले जो चीज़ें हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो नींद में बहुत गहरी, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सोने से पहले का आखिरी घंटा और सुबह उठते ही पहला घंटा, ये दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इस दो टाइम में कोई नेगेटिव कंटेंट अपने अंदर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो रात को सोने से पहले सबसे सहज तरीका है कि अपने पिलो के पास एक डायरी रख लो, और रात को सोने से पहले जो चीजें आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसका थॉट लिख दो, आई हैव, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लाइफ इज परफेक्ट, और जो हमने अभी किया, आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, आई रिलीज, ये भी उसमें संकल्प में डाल दो, रोज रिपीट हो जाएगी। कर सकते हैं? आधा मिनट लगता है रात को सोने से पहले, कर सकते हैं आधे मिनट के लिए सोने से पहले? वेरी इजी।